गाउट हम सबको पता है हाइपर यूरिसीमिया के कारण होती है, यूरिक एसिड ज़्यादा होने के कारण होती है। तो गाउट कैन बी अक्यूट गाउट या इट कैन बी क्रॉनिक गाउट। अक्यूट गाउट का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है, क्या प्रॉब्लम होती है? रिमेंबर इसमें जो यूरिक एसिड होती है वो जॉइंट में चली जाती है। नॉर्मली जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो जॉइंट का फ्लूइड होता है, वो बिल्कुल क्लियर होता है। अब जब यूरिक एसिड वहाँ पे चली गई, वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाती और उस प्रेसिपिटेशन के कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो अक्यूट गाउट के पेशेंट में पेन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होती है। कौन सा सबसे कॉमनली इन्वॉल्व जॉइंट होता है? यस, फर्स्ट मेटाटार्सो फेलिंजियल जॉइंट, सिंपल लैंग्वेज में पैर के अंगूठे का जॉइंट सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो अगर किसी पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट है तो क्या करेंगे? इन्फ्लेमेशन को कम करना है, पेन को कम करना है, तो कौन सी दवाई करेंगे? यस, एनएसएड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ये ड्रग ऑफ चॉइस होंगे। अक्यूट गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस एनएसएड्स होंगे। कोई भी एनएसएड यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट, यस हमने पढ़ा था, एक एस्प्रिन, क्योंकि एस्प्रिन हाइपर यूरिसीमिया करता है, इसको नहीं देंगे। और दूसरा यस पैरासीटामोल, क्योंकि उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है ही नहीं। तो एनएसएड्स ड्रग ऑफ चॉइस है एस्प्रिन या पैरासीटामोल को छोड़ के। अगर एनएसएड से पेन कंट्रोल ना हो तो एन काट दो, मतलब क्या बच गया? स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वी कैन यूज स्टीरॉयड्स ऑल्सो, बट स्टीरॉयड्स के साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम स्टीरॉयड्स को मेनली इंट्रा आर्टिकुलर देना पसंद करते हैं। अगर एक दो जॉइंट में प्रॉब्लम है तो सीधा जॉइंट के अंदर स्टीरॉयड्स लगा देंगे, इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाए। अब अगर एनएसएड से भी ठीक ना हो, स्टीरॉयड से भी कंट्रोल ना हो, तब हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र बचता है, जो सबसे बढ़िया दवाई है, जो हर हालत में पेन को ठीक कर देगी, वो है कोल्चिसिन। कोल्चिसिन जो है, इट इज मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर अक्यूट गाउट। ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि अगर कोल्चिसिन देने के बाद पेन ठीक नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हुई, तो हम सेफली कह सकते हैं कि ये गाउट ही नहीं है, ये कुछ और है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव दवाई है। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव है तो ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं? क्योंकि सेफ नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस के लिए दवाई इफेक्टिव भी होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए। कोल्चिसिन सेफ नहीं है। मेजर साइड इफेक्ट कोल्चिसिन के जो हैं वो हैं सीवियर डायरिया, कोल्चिसिन बहुत सीवियर इंट्रैक्टेबल डायरिया कर सकती है, और मायोपैथी। इन साइड इफेक्ट्स के डर के कारण हम कोल्चिसिन रिजर्व रखते हैं जब बाकी किसी से ठीक ना हो तो। अब कोल्चिसिन गाउट में काम कैसे करती है? ये हमारा जॉइंट है, जॉइंट में यूरिक एसिड एंटर की, गाउट में क्या होता है, यूरिक एसिड या यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड एंटर की। जैसे ही यूरिक एसिड एंटर की तो इसको साइनोवियल सेल्स, जो जॉइंट में सेल्स थे उनको साइनोवियल सेल्स कहते हैं, साइनोवियल सेल्स ने एनगल्फ कर लिया, खा लिया। यूरिक एसिड को साइनोवियल सेल्स खा गए, जो भी प्रेसिपिटेट हुई थी। जैसे ही ये साइनोवियल सेल्स खाते हैं इसको, तो ये कुछ साइटोकाइन सिक्रीट करते हैं, इंटरल्यूकिन सिक्रीट करते हैं। अब ये जो इंटरल्यूकिन हैं, ये करती हैं कीमोटैक्सिस, ये WBCs को बाहर से बुला लेती हैं, WBCs को बाहर से बुला लेती हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, आ जाओ। इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फ्लेमेटरी जगह पे आने को कीमोटैक्सिस कहते हैं। तो WBCs को रिक्रूट कर लिया। अब WBCs आए, उन्होंने इस साइनोवियल सेल्स को ही खा लिया, साइनोवियल सेल को ही खा लिया, यूरिक एसिड वाला जो साइनोवियल सेल था उसको एनगल्फ कर लिया। और एनगल्फ करने के बाद WBCs ने एक ग्लाइकोप्रोटीन को सिक्रीट किया। इस ग्लाइकोप्रोटीन के दो काम थे। पहला, ये ग्लाइकोप्रोटीन करती है लैक्टिक एसिडोसिस। रिमेंबर यूरिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल होती है, तो जब एसिडोसिस हो जाता है तो जो और ज़्यादा इनसॉल्युबल हो जाती है, तो और ज़्यादा प्रेसिपिटेट करती है, और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होने के चांस हो जाते हैं। और दूसरा, ये ग्लाइकोप्रोटीन लाइसोसोमल एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देती, लाइसोसोमल एंजाइम्स को स्टिमुलेट कर देती। और लाइसोसोमल एंजाइम्स जब रिलीज होते हैं तो क्या करेंगे? वो तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो जॉइंट की डिस्ट्रक्शन करते हैं, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम करते हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्या हो रहा है। यूरिक एसिड बाहर से अंदर आया, उसको साइनोवियल सेल्स ने खाया,
साइनोवियल सेल्स ने इंटरल्यूकिंस को सिक्रीट किया जिन्होंने डब्ल्यूबीसीज बुला ली। अब डब्ल्यूबीसीज ने साइनोवियल सेल्स को खा लिया और एक ग्लाइकोप्रोटीन निकाल ली। उस ग्लाइकोप्रोटीन ने लैक्टिक एसिडोसिस करके यूरिक एसिड को और ज़्यादा प्रेसिपिटेट कर दिया और लाइसोसोमल एंजाइम्स को एक्टिवेट करके जॉइंट डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। तो अब कोल्चिसिन क्या काम करता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कोल्चिसिन का काम होता है वो न्यूट्रोफिल की रिक्रूटमेंट को रोक देता है, कीमोटैक्सिस को रोक देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। डब्ल्यूबीसीज जॉइंट में आ ही नहीं पाते, जब जॉइंट में आएंगे नहीं तो इन्फ्लेमेशन नहीं कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कीमोटैक्सिस को रोकता है। इसी को फैंसी सी टर्म दे देती है, इसको बोलते हैं कि कोल्चिसिन इनहिबिट द रिक्रूटमेंट ऑफ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स टू दी ज्वाइंट। सिंपल लैंग्वेज में कीमोटैक्सिस को रोकता है। ठीक, दूसरा कोल्चिसिन जो है इस ग्लाइकोप्रोटीन के रिलीज को भी रोकता है। जब यह ग्लाइकोप्रोटीन नहीं निकलेगी तो ज्वाइंट डैमेज रुक जाएगा। तो कोल्चिसिन के दो मेजर मैकेनिज्म हैं। मोस्टली क्वेश्चन इस पे आंसर आता है कि कोल्चिसिन का मेन मैकेनिज्म क्या है, ये कीमोटैक्सिस को रोकता है। तो ये होगी हमारी दवाइयां अक्यूट गाउट की। अब आते हैं क्रॉनिक गाउट पे। क्रॉनिक गाउट का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करता है? इसमें भी हाइपर यूरिसीमिया होता, बट इसमें यूरिक एसिड जॉइंट्स में नहीं गई। तो अगर जॉइंट्स में नहीं गई तो क्या सिम्टम होगा? कुछ भी नहीं हो। तो क्रॉनिक गाउट के ज्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होंगे। तो अगर उनको सिम्टम ही नहीं है तो फिर ठीक ही क्यों करना है, क्या जरूरत है? क्योंकि आज सिम्टम नहीं है कल तो हो सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड ब्लड में ज्यादा है किसी भी दिन जॉइंट में जा सकती। तो जब भी वो जॉइंट में गई पेन इन्फ्लेमेशन होगा। तो क्रॉनिक गाउट में हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट होता है टू प्रिवेंट अक्यूट अटैक्स। तो क्रॉनिक गाउट में अक्यूट अटैक को रोकना है तो अक्यूट अटैक को रोकने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है? यूरिक एसिड कम कर दो। तो क्रॉनिक गाउट में हमारा मेजर एम होता है यूरिक एसिड के लेवल को कम करना। बट अक्यूट अटैक जब है उस समय कभी भी हम लेवल को कम नहीं करते। अक्यूट अटैक के टाइम कभी भी लेवल को कम नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक लॉजिक समझते हैं। ये हमारा जॉइंट है, इसमें यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट हुई है, ये हमारा ब्लड है और ये हमारे टिश्यूज हैं। कोई भी टिश्यू है, सपोज मसल है, लिवर है, कोई भी टिश्यू है। पेशेंट को अक्यूट अटैक है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स है, मतलब ऑलरेडी परमिएबिलिटी यहाँ जॉइंट्स की बढ़ी हुई, परमिएबिलिटी बढ़ी हुई, और सिंपल लैंग्वेज में दरवाजे खुले हैं जॉइंट के, जॉइंट्स के दरवाजे खुले हैं, परमिएबिलिटी बढ़ी हुई, कोई भी आ सकता है अंदर। ठीक, तो जब हमने ब्लड में यूरिक एसिड कम की, हमने कोई दवाई दी जिसने यूरिक एसिड ब्लड में कम की, जब यूरिक एसिड ब्लड में कम हो गई तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। टिश्यू में यूरिक एसिड ज़्यादा है, ब्लड में यूरिक एसिड कम, तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कवर करने के लिए टिश्यू से यूरिक एसिड की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, रास्ते में इसको दरवाजे खुले मिले तो यूरिक एसिड यहां पे भी आ जाएगी। तो दैट मींस जो अक्यूट अटैक होने के चांस और बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेमेशन और प्रेसिपिटेट हो जाएगी, क्योंकि यूरिक एसिड और ज्यादा जॉइंट में आ सकती है। तो इसलिए हम यूरिक एसिड को तब कम करेंगे जब ये दरवाजे बंद हो चुके हैं, मतलब जब अक्यूट अटैक ठीक हो गया है, परमिएबिलिटी नॉर्मल हो गई है, अब यूरिक एसिड के जॉइंट में आने के चांस कम है। इसलिए हम यूरिक एसिड तभी कम करेंगे जब परमिएबिलिटी कम हो गई है, मतलब अक्यूट अटैक ठीक हो गया है। सो ड्यूरिंग अक्यूट अटैक हमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं देनी जो यूरिक एसिड कम करती है, क्योंकि उससे अटैक और ज़्यादा वर्सन हो जाएगा। क्लियर? बट क्रॉनिक गाउट में यूरिक एसिड ज़्यादा है बट अभी तक जॉइंट्स में नहीं गई है, मतलब दरवाजे बंद हैं। तो क्रॉनिक अगाउट में यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं। अब इसको कम करने के मेनली दो तरीके थे हमारे पास अभी तक। पहला, डिक्रीज फॉर्मेशन, यूरिक एसिड का बनना रोक दो, और दूसरा जो बन चुका है उसकी एक्सक्रीशन करवा दो, बनना रोक दो और जो बन गया उसको निकाल दो। तो सबसे पहले हम वो देखते हैं जो बन चुका है उसको कौन सी दवाई निकालती है। अगर दवाई यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन करा देगी तो उस दवाई को हम बोलते हैं यूरिकोज यूरिक एजेंट। ये यूरिक एसिड को यूरिन में निकाल देंगे, यूरिकोज यूरिक एजेंट। और कौन कौन सी दवाइयां यूरिक एसिड को यूरिन में निकालती हैं, इनमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हमारे पास, प्रोबेनेसिड, सल्फिन पायराजोन,
सल्फिन पायराजोन, बेंज ब्रोमेरोन, और एक बिल्कुल लेटेस्ट दवाई है जिसका नाम है लेजी न्यूरेट। लेजी न्यूरेट, ये सारी की सारी दवाइयों का सिंपल काम है कि यूरिक एसिड जो किडनी में एक बार फिल्टर हो जाती है, ये उसको रीअब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। जब यूरिक एसिड वापस नहीं आ पाएगी तो यूरिन में निकल जाएगी, तो इसलिए इनको हम कहते हैं यूरिकोज, यूरिक एजेंट्स। और इसमें जो लास्ट वाली दवाई है लेजी न्यूरेड, वो आप इसके नाम से याद कर सकते हो। इसके नाम में लिखा है इंक्रीज दी एक्सक्रीशन ऑफ यूरेट, यूरेट की एक्सक्रीशन को बढ़ा देगी, लेजी न्यूरेड। ठीक, अब ये सारी दवाइयां यूरिक एसिड को यूरिन में निकाल रही हैं, तो अगर यूरिन में यूरिक एसिड चला गया वहां प्रेसिपिटेट हो जाए और वहां पे स्टोन बना देगा, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन करके किडनी फेल भी कर सकते हैं। तो जब भी ये दवाइयां देंगे तो पेशेंट को क्या प्रिकॉशन देंगे, क्या उसको एडवाइस देंगे? यस, बहुत सारा पानी पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन, अदरवाइज इनमें नुकसान होने का चांस बढ़ जाएगा। सो प्लेंटी ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन विद यूरिकोज, यूरिक एजेंट्स। दूसरी बात, क्योंकि ये किडनी से एक्सक्रीट करवा रही है, तो अगर किडनी फेल होगी तो ये ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन को बढ़ाने वाले। अब देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे रोके। तो फॉर्मेशन रोकने के लिए पहले देखेंगे कि यूरिक एसिड बनती कैसे है, फॉर्म कैसे होती है। यूरिक एसिड कहां से बनती है? यस, प्यूरिन से बनती। जो बॉडी में प्यूरिन्स हैं या प्रोटीन्स हैं, उनका मेटाबॉलिज्म होके जैंथिन बनते हैं, जैंथिन। और जैंथिन को जैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, जैंथिन ऑक्सीडेज, ये इसको ऑक्सीडाइज करके यूरिक एसिड बना देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ह्यूमंस में यूरिक एसिड एंड प्रोडक्ट है, इसका आगे मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ठीक, और ये यूरिक एसिड इनसॉल्युबल, एसिडिक यूरिन में सॉल्युबल नहीं होती, एसिडिक जगहों पे सॉल्युबल नहीं होती, तो जगह जगह पे जाके प्रेसिपिटेट कर जाती। तो यूरिक एसिड को रोकने का, बनना रोकने का तरीका क्या है कि हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दें। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो यूरिक एसिड बनेगी, और कौन सी दवाई इनहिबिट करती? एलोप्यूरिनोल। सो एलोप्यूरिनोल इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ यूरिक एसिड बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम जैंथिन ऑक्सीडेज, जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस पेशेंट को जिसको गाउट है, आप डाइट में कोई एडवाइस देना चाहोगे? यस, प्रोटीन से बन रही है तो हम क्या बोलेंगे? कम प्रोटीन खाओ, डाउट, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा यूरिक एसिड बनेंगे। तो एलोप्यूरिनोल से आप ये वाली एडवाइस याद कर सकते हो, इसके नाम में लिखा है आलूपूरिनाल। ठीक, तो हम कहेंगे कि आलूपूरिनाल का हम चला लाए, दैट मींस आलू मींस कार्बोहाइड्रेट्स खा ले, पूरी मतलब फैट खा ले, बट प्रोटीन मत खा लेना। ठीक, तो लो प्रोटीन डाइट होने से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कम कर सकते हैं, और एलोप्यूरिनोल यूरिक एसिड का बनना रोक देगा। क्लियर? अब प्रॉब्लम यह है कि एलोप्यूरिनोल के नाम में लिखा है प्यूरीन, प्यूरीन, जैंथिन भी एक प्यूरीन, एलोप्यूरिनोल भी एक प्यूरीन है, तो दोनों में कॉम्पिटिशन होता है, बेसिकली कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है जैंथिन ऑक्सीडेज का। अब प्यूरीन वाले केमिकल स्ट्रक्चर से बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, तो अगर किसी को प्यूरीन एलर्जी है तो उसमें एलोप्यूरिनोल तो दे नहीं पाए, तो उसके लिए हमने एक नई दवाई बनाई जो इसी एंजाइम को इनहिबिट करती है, बट उसका केमिकल स्ट्रक्चर अलग है। उस दवाई का नाम है फेबोक्सोस्टैट। तो फेबोक्सोस्टैट हम उसको देंगे जिसको एलोप्यूरिनोल से एलर्जी है। फेबोक्सोस्टैट के नाम में ही लिखा है फिर से जैंथिन ऑक्सीडेज, XO मतलब जैंथिन ऑक्सीडेज को स्टैटिक करती है, मतलब इनहिबिट करती है। तो एलोप्यूरिनोल जो है ये क्रॉनिक गाउट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, बट अगर एलोप्यूरिनोल को एलर्जी हो तो फेबोक्सोस्टैट दे सकते हैं। ठीक, तो फेबोक्सोस्टैट जैंथिन ऑक्सीडेज को स्टैटिक करेगी, मतलब एलोप्यूरिनोल वाला ही सेम काम करेगी। क्लियर? अब ये जो यूरिक एसिड है बनना बंद हो गया। ठीक, तो जो बन गया था उसको निकाल दिया और बनना बंद कर दिया। फिर हमने एक दिन नोट किया कि बर्ड्स में, ह्यूमंस में नहीं होता, बर्ड्स में एक एंजाइम होता है जो यूरिक एसिड को मेटाबोलाइज करके एलेंटोइन बना देता है। ये एंजाइम ह्यूमंस में नहीं होता और उस एंजाइम का नाम है यूरिकेज, यूरिकेज।
ये एंजाइम सिर्फ बर्ड्स में होता है, ये यूरिक एसिड को आगे मेटाबोलाइज करके एलेंटोइन बना देते हैं, और एलेंटोइन वाटर सॉल्युबल है और ये कहीं भी प्रेसिपिटेट नहीं होता। ठीक, तो इसलिए बर्ड्स को कभी गाउट नहीं होती क्योंकि यूरिक एसिड तो मेटाबोलाइज हो जाता। तो फिर हमने सोचा कि जब बर्ड्स को गाउट नहीं होती तो हमें क्यों? तो फिर हमने वही किया जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, चोरी करने में। तो हमने ये एंजाइम चोरी कर लिया, मतलब हमने बर्ड से जो एंजाइम निकाल लिए उसके बाद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से दवाई बना दी, और उस दवाई को हम यूरिक एसिड में यूज कर रहे हैं आजकल, और उस दवाई का नाम है रास ब्यूरिकेस। रास ब्यूरिकेस, तो नाम में लिखा है रास ब्यूरिकेस एक यूरिकेज एंजाइम है जो हमें बर्ड से मिला और फिर हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया। तो रास ब्यूरिकेज यूरिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, मेटाबोलाइज करके काम करता है। फिर रिसेंटली हमने एक और यूरिकेज बनाया बट उसको पेग लगवा दिया, मतलब उसमें पॉली इथिलीन ग्लाइकोल अटैच कर दिया तो वो लॉन्ग एक्टिंग हो गए। तो उस नए यूरिकेज एंजाइम को हम बोलते हैं पेगलोटिकेज, पेगलोटिकेज। लाइक यूरिकेज, इसका नाम भी इकेज में खत्म होता है, इकेज यूरिकेज, ठीक है, बट ये पेग लगा के आया है, मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग यूरिकेज एंजाइम है, तो इसको भी क्रॉनिक गाउट में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी दवाइयां हम गाउट में यूज करते हैं। ओके।